साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग SMT और हाइपर थ्रेडिंग अब हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली SMT इज एब्रीवेशन ऑफ साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। SMT इज मेथड ऑफ CPU स्प्लिटिंग ईच ऑफ इट्स फिजिकल कोर इनटू अ लॉजिकल कोर आर नोन एज थ्रेड्स। These multiple virtual processor increase the performance and each core allows to run two instruction stream at once. तो बेसिकली हमने मल्टी थ्रेडिंग को स्टडी किया था, मल्टी थ्रेडिंग के बेनिफिट्स को स्टडी कर चुके हैं और हमने देखा कि मल्टी थ्रेडिंग जो मॉडल है उसके मॉडल्स जो हैं जिसमें हर यूज़र थ्रेड जो है उसका रिलेशन जो है वो कर्नल थ्रेड के साथ इस्टेब्लिश हो रहा है। तो बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग जो है साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग में क्या कर रहे हैं, हमारा जो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर होता है जिसमें कोर्स होते हैं, इट्स मीन के नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने हैं, उन फिजिकल कोर्स को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं लॉजिकल या वर्चुअल कोर्स के अंदर, जिसको हम थ्रेड्स भी कहते हैं। यानी कि आपने फिज़िकल कोर को मज़ीद फर्दर डिवाइड कर दिया। और क्यों किया जाता है, बेसिकली उस वर्चुअल या लॉजिकल कोर्स प्रोसेसर या कोर्स जो हैं वो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करते हैं सिस्टम्स की। हर कोर्स के ऊपर आप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो हैं यू कैन रन। अक्सर आपने माइक्रो प्रोसेसर इन्वायरमेंट में आपने माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंट कोर्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, और आपने सुना भी होगा अक्सर कि दैट इज़ सिंगल कोर या डुअल कोर सिस्टम है या क्वाड कोर सिस्टम है। आप डेली रूटीन लाइफ में इन टर्म्स को सुनते भी होंगे। सो व्हाट इज़ मीन बाय दैट, एक सिंगल कोर जो है आप इसमें एक सिंगल प्रोसेसर है, इट्स मीन कि आप एक सिंगल थ्रेड या प्रोसेसिंग जो है वो उस प्रोसेसर के ऊपर हो सकती है। अगर आप इफ़ यू हैव अ डुअल कोर प्रोसेसर, आपके पास डुअल कोर प्रोसेसर है, इट्स मीन कि आपके पास फिजिकली दो प्रोसेसर हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली जो है प्रोसेसिंग, टू प्रोसेसिंग कैन टेक प्लेस एट सेम टाइम। इट विल सपोर्ट टू थ्रेड्स, यानी कि दो थ्रेड्स को सपोर्ट कर रहा है कोर टू डू। इन द सेम वे आप क्वाड कोर मीन के चार प्रोसेसर हैं आपके सिस्टम में, यानी कि फोर यूनिट है प्रोसेसिंग के, और ये जो है फोर थ्रेड्स को सपोर्ट कर रहा है। इट्स मीन के फिजिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोर्स, यानी कि नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप हाइपर थ्रेडिंग या साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है, मीन डिवाइड योर फिजिकल कोर इनटू अ मल्टीपल लॉजिकल कोर्स। यानी कि एक सिंगल प्रोसेसर है बेसिकली, वो है फिजिकली एक, बट लॉजिकली आप उसको डिवाइड कर रहे हैं दो प्रोसेसर्स के अंदर। इसका मतलब है कि वो एट अ टाइम दो थ्रेड्स को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपके पास डुअल कोर प्रोसेसर है, इट्स मीन फिजिकली आपके पास दो प्रोसेसर हैं, बट ईच प्रोसेसर लॉजिकली डिवाइड इनटू टू प्रोसेसर, इट्स मीन के दैट आर सपोर्टिंग फोर थ्रेड्स एट अ टाइम। सो दैट इज़ मीन बाय साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। तो एक और टर्म जो है हाइपर थ्रेडिंग बोली जाती है फॉर साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। बेसिकली इंटेल कंपनी जो है वो साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग के लिए टर्म हाइपर थ्रेडिंग यूज़ की करती है। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है कि आपके फिजिकल कोर्स को कंप्यूटर के फिजिकल प्रोसेसर को लॉजिकल या वर्चुअल कोर्स के अंदर मज़ीद फर्दर डिवाइड कर दिया जाए। तो बेसिकली हाइपर थ्रेडिंग इज़ ए सेम एज साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, बट दैट इज़ प्रोप्राइटरी नेम ऑफ इंटेल कंपनी, जो कि इंटेल कंपनी ने अपने इसको जो है साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग को टर्म यूज़ करता है हाइपर थ्रेडिंग। सिस्टम की इंफॉर्मेशन अगर मालूम करनी हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दिस PC का आइकॉन है या माई कंप्यूटर का आइकॉन होगा, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोसेसर जो है मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। तो आपको अपने प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जो कि मेरे सिस्टम में इंटेल कोर i3 है और इसका मॉडल 4005U है। दैट इज़ प्रोसेसर इंफॉर्मेशन जो है आपके सिस्टम में अवेलेबल होती है। अब इस जो है अगर आपने
डिटरमिन करना आया आपका सिस्टम जो है दैट इज़ सपोर्टिंग हाइपर थ्रेडिंग और नॉट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे WMIC, दैट इज़ विंडो मैनेजमेंट इंस्टॉलेशन कंसोल। ये इसका पर्पज़ क्या है कि ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है ओवर अ सिस्टम। तो आप जैसे इंटर करेंगे तो ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे ले आएगा। यहाँ पे आप कमांड अप्लाई करेंगे जो कि CPU गेट नंबर ऑफ कोर्स, दैट इज कमांड। आप जैसे इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है जी दो कोर्स की इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले हो गई। इट्स मीन के नंबर ऑफ कोर्स जो हमारे सिस्टम में मेरे सिस्टम में अवेलेबल हैं दे आर टू। इट्स मीन के टू प्रोसेसर अवेलेबल हैं एट अ टाइम, टू थ्रेड्स सपोर्टेड। इट्स जस्ट लाइक टू प्रोसेसर्स, सो दैट मीन दैट इज़ अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स। बट अगर आपके नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर और नंबर ऑफ फिजिकल प्रोसेसर इक्वल हो, इट्स मीन कि आपका सिस्टम जो है वो हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता। और अगर आपने इसको फाइंड आउट करना हो कि आपके सिस्टम के अंदर लॉजिकल प्रोसेसर कितने हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड जो है दैट इज़ नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर्स जी। अब ये कमांड जो है, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम पे लॉजिकल फिजिकल कोर्स कितने हैं और नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर्स कितने हैं। तो जैसे इंटर करेंगे देयर आर फोर लॉजिकल प्रोसेसर। इट्स मीन कि ईच फिजिकल कोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू लॉजिकल प्रोसेसर, सो इट्स मीन दैट इज सपोर्टिंग हाइपर थ्रेडिंग। दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेल, सो इट्स मीन के प्रोसेसर इंटेल का है दैट इज सपोर्टिंग हाइपर थ्रेडिंग। तो लॉजिकल प्रोसेसर जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन फ्रॉम फिजिकल कोर्स या नंबर ऑफ कोर्स। सो ये इसमें सिस्टम जो है मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट हाइपर थ्रेडिंग को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। सो इस तरीके से आप जो है वो अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है उसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता।